नमस्कार दोस्तों, आज एक नई एक्सरसाइज आप लोगों के लिए लेके आए हैं और इसमें ये अभ्यास फर्स्ट सी है और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं तो उसमें कौन परिमेय संख्या बड़ी है और कौन परिमेय संख्या छोटी है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके हम आप लोगों को नियम बताए देते हैं। इसके कुछ नियम हैं, उनको अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप आसानी से ये पता कर पाएंगे कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं उसमें से ऐसा तो नहीं एक परिमेय संख्या धनात्मक हो और दूसरी ऋणात्मक हो। अगर ऐसी स्थिति होती है तो जो धनात्मक वाली परिमेय संख्या है वो बड़ी होगी और ऋणात्मक वाली परिमेय संख्या छोटी होगी। भले ही उसमें अंश कितना भी हो, हर कितना भी हो, उसे हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। जैसे 3/7 जो है अपनी धनात्मक है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब धनात्मक है। और ये -1/17, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये इसमें माइनस चिन्ह लग गया है तो ये संख्या मेरी तुरंत छोटी होगी, और जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है या धन का चिन्ह लगा हुआ है तो ये परिमेय संख्या मेरी बड़ी होगी और ये परिमेय संख्या मेरी छोटी होगी। तो इस तरह से इस चिन्ह का हम उपयोग कर सकते हैं और तुरंत हम बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये तो सबसे पहला काम हमें ये करना है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब एक परिमेय संख्या ऋणात्मक नहीं है और दूसरी धनात्मक नहीं है, मतलब या तो दोनों परिमेय संख्याएँ ऋणात्मक हैं और दोनों परिमेय संख्याएँ धनात्मक हैं, तब हम दूसरे नियम की ओर चलेंगे। और दोस्तों, दूसरा नियम ये है, यदि दोनों परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं तो सबसे पहले हमें उनके हर बराबर करने होंगे और उसके बाद जो भी अंश मेरा जिस भी संख्या का बड़ा होगा वो परिमेय संख्या मेरी बड़ी होगी। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम देने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। आप ये देख रहे होंगे, एक ये मेरे पास बॉक्स है और एक ये पेन है। अब हमें ये पता करना है कि ये पेन बड़ा है या इसका ये कैप बड़ा है। तो और हमने इसको जानने के लिए किया क्या, पेन को तो हमने ज़मीन पर रख दिया और कैप को कहाँ रख दिया, इसके ऊपर। तो अब आपसे हम पूछें कि पेन बड़ा है कि कैप बड़ा है, तो आप देख सकते हैं पेन कैसा हो जाएगा, अपना छोटा दिख रहा है, कैप बड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये कैप किसके ऊपर रखा है, इस बॉक्स के ऊपर रखा है, इस बॉक्स के ऊपर रखा है। वही काम दोस्तों जो है परिमेय संख्या में देखने वाली बात है। अब अगर हम इस बॉक्स को हटा दें और अब हम पूछें कि अब बताइए पेन बड़ा है कि कैप बड़ा है, तब आप तुरंत बता देंगे कि सर पेन बड़ा है। क्यों? क्योंकि अब हमने समतल पर रखा है। यही काम मेरा परिमेय संख्या में होता है। कैसे दोस्तों? एक संख्या मैंने ली 1/3 और दूसरी ली 4/3। तो अब इसमें मैं पूछूं आपसे कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो नीचे की जो हर सवाली संख्या है वो दोनों में बराबर है। तो ऐसी संख्या में हमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? जिसका अंश बड़ा है वही संख्या मेरी बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा है वो संख्या मेरी छोटी होगी। तो ये चिन्ह आ जाएगा और ये परिमेय संख्या मेरी बड़ी हो जाएगी और इधर वाली संख्या छोटी हो जाएगी। अब दोस्तों, अगर प्रश्न इस तरह से दे दिया जाए कि 4/3, कितना लिख दिया 4/3, और इधर हमने लिख दिया 5/7। अब दोस्तों, हम इसमें आपसे पूछें कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पक्का आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे। उसी के लिए ये नियम बनाया है। क्यों? इसमें एक तरफ 3 के ऊपर संख्या लिखी है, एक तरफ 7 के ऊपर लिखी है। तो सबसे पहले हमें दोनों संख्याओं को कैसा करना होगा, हर बराबर करना होगा। और उसके 2-3 नियम हैं, सरलतम रूप में मैंने आपको बताए थे। तो हर बराबर करते हैं, ये इस 7 का गुणा हम कर देंगे इधर, और गुणा केवल ऊपर नहीं होगा, जो भी काम होगा अंश और हर दोनों में होगा। और इधर था 3, तो इस 3 का गुणा हमने कर दिया इधर। तो अब दोस्तों, मेरा ये ऊपर आ गया 7 × 28 अंश में, और बटे में 7 × 21, और इधर आ गया 5 × 15, और नीचे आ गया 7 × 21। अब दोस्तों क्या हुआ कि मेरी परिमेय संख्याएँ तो वही हैं,
लेकिन अब इसमें मेरा हर समान हो गया, तो अब हमें पहचानना आसान हो जाएगा कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी, क्योंकि अंश वाली संख्या हम देख लेंगे। अब इधर 28 बड़ा है कि 15 बड़ा है, बताइए 28 है ना, तो ये 28 बटे 21 वाली परिमेय संख्या मेरी कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये जो संख्या थी 4/3 और ये 5/7 थी, तो इसमें 4/3 वाली संख्या मेरी बड़ी हो जाएगी और 5/7 वाली संख्या छोटी हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इसी को रिपीट करके एक बार दोबारा से देख लेना। ये दोस्तों तीसरा नियम है, और यदि दोनों परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं, अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक दे दी, जैसे -1/2 और -4/2, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब भी हम सबसे पहले हर बराबर करेंगे। हर तो बराबर दोस्तों हमें करना ही पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ जो उल्टी हो जाएगी वो ये है कि इसके बाद जो अंश बड़ा होगा वो संख्या हमारी हो जाएगी छोटी। कैसी हो जाएगी, छोटी। बहुत ध्यान देना इस बात को बच्चों, ऋण चिन्ह लग जाने से बड़ी वाली संख्या मेरी उतनी ही ज़्यादा छोटी हो जाती है, जितनी संख्या बड़ी होती जाएगी वो संख्या उतनी छोटी होती जाएगी, और जो संख्या छोटी होगी ऋण चिन्ह लगने से वो संख्याएँ बड़ी हो जाएंगी। ये तभी होगा जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो इस बात को बच्चों बिल्कुल गांठ बांध लेना। यहाँ पे हर बराबर किया है, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो बड़ी वाली संख्या जिसका अंश बड़ा है वो हो जाएगी छोटी, और जिसका अंश छोटा है वो हो जाएगी बड़ी। दोस्तों हो सकता है आप लोग इस चिन्ह में कन्फ्यूज हों, तो ये चिन्ह जो है तो इधर संख्या रहती है छोटी, और इधर जो संख्या होती है वो होती है बड़ी। ये दोस्तों होता है चिन्ह लगाने का तरीका। तो इसमें जो अंश इसका बड़ा था तो और माइनस चिन्ह था, इसलिए ये हो गया छोटी और ये परिमेय संख्या हो गई बड़ी। अब दोस्तों इसी तरह से एक संख्या जैसे हमने लिया 3/4 और एक संख्या ले ली 2/9। अब इसमें हम आपसे पूछे कौन बड़ी कौन छोटी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, और उसका सबसे अच्छा तरीका ये जो संख्या है इसका गुणा इधर कर दो ऊपर नीचे, तो इधर 9 का कर दिया, और ये संख्या थी 4 तो इधर ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दिया। अब इधर बच्चों क्या हो गया, ऊपर 9 दिया 27 और इधर हो गया 9 × 4=36 और इधर हो गया -4 × 8 × 9 = 36। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हर जब मेरा बराबर हो गया, तो चूंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है दोनों में, आँख मीच के इसको हम लोग बता देंगे कौन बड़ी कौन छोटी। जल्दी से बताओ, हाँ जो भी अंश में जो बड़ी संख्या है वो हो जाएगी छोटी, और अंश में जो छोटी संख्या है वो हो जाएगी बड़ी। तो ये चिन्ह हो जाएगा, तो ये संख्या मेरी हो गई छोटी और ये संख्या हो गई मेरी बड़ी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। एक बार हल्का सा रिवाइज कर दें, जब भी आप किसी भी परिमेय संख्याओं में बड़ा छोटा देखेंगे, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एक संख्या धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक तो नहीं है। अगर ऐसा है तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, धनात्मक संख्या हो जाएगी बड़ी और ऋणात्मक संख्या हो जाएगी छोटी। उसके बाद अगर दोनों धनात्मक हैं तो हम हर बराबर करेंगे, और फिर अंश वाली संख्या देखेंगे, जो भी बड़ी होगी तो वो बड़ी हो जाएगी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। और तीसरा नियम जो है इसमें हम देखेंगे अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो भी हर बराबर करेंगे, और उसके बाद जिसका अंश बड़ा हो जाएगा वो संख्या हो जाएगी मेरी छोटी, और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या हो जाएगी मेरी बड़ी। तो इतना ही था दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप लोग अभ्यास फर्स्ट सी जो कि कक्षा 7 की किताब का है वो करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।